शिक्षा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। Hello everyone, Indian Air Force is conducting AFCAT 2 2020 exam on October 3, 4 and 5 in two shifts. In view of COVID-19, this year the exam is conducted in 3 days. Social distancing measures were implemented at the exam center. Before entering the examination hall, candidates were asked to show the self-declaration form. The body temperature of candidates were checked through thermogun. There were no physical frisking at the exam center. Candidates had to sanitize their hands before entering the exam hall. On completion of the shift, candidates were asked to move out in an orderly manner. Siksha visited one of the AFCAT exam centers 2020 in South Delhi to gather the feedback of candidates regarding the difficulty level and precautions taken due to COVID-19. Let's check out what the candidates have to say regarding this. Yes, what is your name? My name is Shivani and it was good. Like, it was quite easy. Like, according to me, it was quite easy and yeah, I did well. From where questions were asked? Mostly, like, as we know, 36 questions are from, like, reasoning. So, they were quite easy for me. Like, reasoning is my core subject. So, yeah, it went well. So, thank you. नाम अनुभा। कैसा था आपका पेपर? अच्छा गया पेपर वैसे। थोड़ा सा मैथ्स कैलकुलेटिव था, वैसे ही टाइम जा रहा था, ठीक था। और करंट अफेयर्स से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे? मेरे को क्वेश्चंस एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन करंट था। और रीजनिंग से? रीजनिंग से वही जो सिलेबस है टेस्ट का वही आया हुआ था। इंग्लिश भी ठीक थी, पेपर ओवरऑल मॉडरेट था। कुछ अलग क्वेश्चंस आए थे सिलेबस से हटके? नहीं, पैटर्न तो सेम ही थे। पैटर्न में कोई चेंजेस तो नहीं थे? No, कोई टेक्निकल ग्लिच थी? नहीं मैम, ठीक है। इट वाज ओवरऑल ओके, इट्स मॉडरेट काइंड ऑफ। क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? क्वेश्चन हर जगह से आए थे, लाइक जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, तो हर टॉपिक कवर किया हुआ था। और कुछ टफ वगैरह थे क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस टफ थे, थोड़े जीके के टफ थे। थैंक यू। द कॉन्ट सेक्शन और द मैथ सेक्शन वाज बिट टफ, बट जीएस एंड ऑल वाज क्वाइट इजी एंड इंग्लिश वाज इवन क्वाइट इजी। सो हाउ वाज द सैनिटाइजेशन प्रोसेस टेकन इनसाइड? इट वाज ऑल बेटर, इट वाज इन अ गुड कंडीशन, यू कैन गो एंड गिव द एग्जाम प्रॉपर्ली, देयर इज नो इशू रिगार्डिंग दैट। ऑल अबाउट द पेपर, पेपर वाज मॉडरेट टू टफ। सो व्हाट्स योर नेम? अपना ही करना। और इंग्लिश आप बता सकते हो कौन कौन से टॉपिक से आए थे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन? साइंस, ये हो गया आपका मॉडर्न इंडिया, एनसीए, फिर स्पोर्ट्स। और कौन से? कौन से? मैथ से कौन कौन से? मैथ से प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज। और इंग्लिश से? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, कॉमन एरर, दैट्स इट। सो हाउ वाज द पेपर अकॉर्डिंग टू यू? हाउ वाज द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर? डिफिकल्टी लेवल समथिंग इंग्लिश, फॉर इंग्लिश इज माइनर डिफिकल्ट देन अदर पेपर। ओके, थैंक यू। माय नेम इज सासा वजावन एंड आज आपका का पेपर था। पेपर मैं एक्चुअली पढ़ के आया नहीं था, आई एम एन एस्पिरेंट फॉर एसएससी, बट स्टिल सिलेबस काफ़ी मैच करता था अनएक्सपेक्टेडली, तो सही गया पेपर। इजी साइड का टाइम बहुत ज़्यादा था मेरे हिसाब से, तो अच्छा था। थैंक यू।